किसान भाइयों, आज हम चर्चा करेंगे उद्यान में उपयोग में आने वाले कृषि यंत्रों उपकरणों का कैसे प्रयोग किया जाए, उनका रखरखाव कैसे किया जाए और उनको उपयोग में क्या सावधानियां बरती जाए। तो जैसा आपको पता है कि उद्यान आजकल बहुत महत्वपूर्ण कृषि कार्य के रूप में आ गया है। उद्यान का उत्पादन बढ़ाना, उद्यान के संबंधित जो फ्रूट्स हैं और जो क्या कहते हैं हमारे दूसरे उत्पाद हैं उनमें कैसे बढ़ोतरी की जाए, इसमें भी मैकेनाइजेशन का बहुत बड़ा रोल है। आपको पता है कि कई बार कृषि मजदूर हमें उपलब्ध नहीं होते, तो इसलिए भी मशीनों का उपयोग बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे दूसरे हमारे कृषि कार्य हैं, उसी तरह से उद्यान के लिए भी हम जो टिलेज ऑपरेशन है उसके लिए ट्रैक्टर ऑपरेटेड जो इक्विपमेंट हैं उनका भी प्रयोग करते हैं और पावर टिलर का प्रयोग करते हैं। अगर फील्ड आपको सिर्फ तैयार करनी है तो हैरो और कल्टीवेटर का उपयोग कर सकते हैं या रोटावेटर का उपयोग कर सकते हैं। इनमें यही चीज़ ध्यान में रखनी है कि जब भी इन मशीनों का उपयोग करें तो उपयोग करते समय जिस डेप्थ की आवश्यकता उस डेप्थ पर उसको ऑपरेट करें और उनका ऑपरेशन कंप्लीट होने के बाद इन मशीनों को साफ़ करके धुल करके और सही ढंग से रखने की कोशिश करें। इसी तरीके से जो पावर टिलर है, ये एक ऐसी मशीन है जो कम दाम की है और ज़्यादातर किसान इसको जो है ओन कर सकते हैं, रख सकते हैं, खरीद सकते हैं और इसका ऑपरेशन भी बहुत आसान है। इसमें वॉक बिहाइंड टाइप मशीन है, आप इसमें पीछे पीछे उसके चलना पड़ता है और ये चूँकि रोटरी ऑपरेशन है तो आपके फील्ड को अच्छी तरीके से तैयार कर देती है। अगर बाग आपका बड़ा है और उसमें इस तरह के ऑपरेशन करने हैं तब हम संस्तुत करते हैं कि उसमें ऑफसेट डिस्क हैरो का प्रयोग करें। ऑफसेट डिस्क हैरो का फायदा ये होता है कि ये पेड़ की जड़ के पास तक नज़दीक तक आपको जा सकती है, ताकि ट्रैक्टर चाहे ना पहुंच रहा हो लेकिन इसका जो ऑपरेशन होता है इसका मैकेनिज्म इस तरीके से है कि ये पेड़ की जड़ के पास तक पहुंच करके और पूरे खेत में टिलेज ऑपरेशन कर सकती है। अब एक बड़ा काम दूसरा जब आता है वो प्लांटिंग का, क्योंकि जो फ्रूट क्रॉप्स हैं उसमें हमें गड्ढा डिफरेंट डेप्थ का और उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से खोदना पड़ता है। मैनुअल उसको करने में बहुत एनर्जी भी लगती है, लेबर कास्ट भी ज़्यादा लगती है और टाइम भी बहुत लगता है। तो इसको बचाने के लिए आगर्स का निर्माण किया गया है, पोस्ट होल आगर्स कहते हैं, जिनसे आप त्वरित गति से गड्ढे बना सकते हैं और उसमें फिर जो पेड़ों का जो पौध जो है वो प्लांटेशन कर सकते हैं। आगर के उपयोग में भी यही बात ध्यान देनी है कि चूँकि ये काफ़ी डेप्थ तक जाता है तो ऑपरेशन के समय ये सावधानी बरतनी है कि अगर ये किसी पत्थर या ईंट से टकरा रहा है तो वहाँ पर जैसे लोड ज़्यादा आपके ट्रैक्टर पे जाए, समझ लीजिए कोई हार्ड पैन या कोई ऐसे जगह है जहाँ पर उसके टूटने की डर रहेगी, इसलिए वहाँ पर रुक जाएं और देख करके उसको उसी हिसाब से ऑपरेशन करें ताकि आपके इक्विपमेंट का नुकसान ना हो। इसके अलावा जो बात करनी है वो ये ध्यान देना है कि जब भी इस आगर को यूज कर करके सामने ले आएँ उसमें फिर ये इसका साफ सुथरा रखना, ऐसा हर कोशिश करनी है। किसी भी सॉइल वर्किंग इक्विपमेंट के साथ आपको ध्यान देना है कि ऐसा ना हो कि आप उसे काम करके छोड़ दें और जो उसके मिट्टी लगी हुई है वो उसमें जंग लगाएगी और जंग लगाने के कारण जो है इक्विपमेंट का नुकसान होगा और उसकी उम्र जो होती है इक्विपमेंट की कम हो जाती है। हम सारे सॉइल वर्किंग इक्विपमेंट के लिए यही संस्तुत करते हैं कि उपयोग के बाद उनको अच्छी तरीके से धुलें और उन पर किसी स्नेहक द्रव्य का या आपके पास अगर हो तो ये कच्चा तेल है उसके जो नीचे का जमा पार्ट होता है उसको भी लगा सकते हैं या किसी भी तरीके का स्नेहक द्रव्य लगा करके उसको जंग लगने से बचाएं। एक बार आपका जब टिलेज का काम हो गया और क्या कहते हैं प्लांटिंग का काम हो गया
तब हमारे सामने चैलेंज आता है कि अगर खरपतवार है, बीज वगैरह हैं आपके प्लांट में, तो उनको कैसे नष्ट, इंटरकल्चर ऑपरेशन की जब बात आती है तो उसमें मेरा सुझाव है कि पावर टिलर जो है वो एक बहुत उपयोगी मशीन है, और इसका प्रयोग करके आप इंटरकल्चर ऑपरेशन जितने भी आपके क्या कहते हैं बागवानी में हैं उनको कर सकते हैं। एक और आवश्यकता पड़ती है कई बार, जो आपके पुराने पेड़ हैं तो उनका एक ट्रेंच में करके जरूरत है, कि कई बार हम ये समझते हैं कि एक बार पेड़ लग गया तो उसमें फिर उसके खाद पानी की जो है उसकी आवश्यकता हम पूरी तरह से दे नहीं पाते। तो हमारा ये सुझाव है कि पेड़ों के चारों तरफ एक ट्रेंच बनाने की, एक ट्रेंच मेकर मशीन आती है, उसका उपयोग करके ट्रेंच बना सकते हैं, और उस ट्रेंच में जो गोबर की खाद है या जो भी खाद जो फर्टिलाइजर संस्तुत किया जाता है उस पर्टिकुलर पेड़ के लिए, उसको अप्लाई करें। क्योंकि जैसे दूसरे पौधे रेगुलर न्यूट्रिएंट चाहते हैं, उसी तरीके से आपका बड़ा पेड़ जो बागवानी के जो पेड़ हैं वो भी उसी तरीके से न्यूट्रिएंट चाहते हैं। अब एक बड़ी समस्या आती है पेड़ों में, वो है बीमारियों का और कीड़ों का। तो हमारे पास ऐसा साधन होना चाहिए जो पेड़ अगर किसी बीमारी से ग्रसित है या पेड़ या किसी तरह से कीटों का कोई अटैक है तो उन पे हम कीटनाशी या जो क्या कहते हैं इंसेक्ट और कीट के जो ये हैं उनका उनको केमिकल्स का हम अप्लाई कर सकें। तो हमारे पास इसके लिए ढेर सारे ऐसे मशीनों का निर्माण किया गया है जिनसे हम अलग अलग हाइट तक जो है पहुंच करके और छिड़काव कर सकते हैं। एक तो इसीलिए इसमें क्या कहते हैं लॉन्ग बूम स्प्रेयर्स बनाए गए हैं अलग अलग प्रेशर कैपेसिटी के, ताकि आप उनका प्रयोग करके और पेड़ की किसी भी हाइट तक, बैरिंग हाइट तक आप जा करके इसका छिड़काव कर सकते हैं और इफ़ेक्टिव छिड़काव कर सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण जो समस्या पेड़ों में है वो है बीमारी की और कीड़ों की। तो बीमारी के लिए जो हमें हर इसके लिए केमिकल्स हैं, अब उन केमिकल का इफ़ेक्टिव जो है एप्लीकेशन करना है। पेड़ की चूँकि हाइट अलग अलग होती है, इसलिए इसमें ऐसी मशीनों का निर्माण किया गया है जो अलग अलग हाइट तक पहुंचकर और ये जो छिड़काव हम कर सकें। तो हमारे पास लॉन्ग बूम स्प्रेयर्स हैं, उन स्प्रेयर्स की मदद से हम अलग अलग हाइट तक दवाओं का छिड़काव कर सकते हैं और कीड़ों और रोगों से अपने पेड़ों को बचा सकते हैं। इसके अलावा एक मशीन का निर्माण किया गया जिसे एरोब्लास्ट स्प्रेयर कहते हैं, ये मशीन भी काफ़ी उपयोगी है और इफ़ेक्टिव तरीके से बड़ी कैनापी वाले जो पेड़ हैं उनमें भी और दूसरे पेड़ों में भी दवा का छिड़काव कर सकती है। अब जो हमारी जो इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड छिड़कने की जो मशीनें हैं उनके साथ भी ऑपरेशन में ये देखना है कि आपको प्रेशर का ध्यान रखना है, ताकि अलग अलग हाइट पर आप सही ढंग से छिड़काव कर सकें। और एक बार अगर छिड़काव कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद आपको ये देखना है कि उस मशीन का रखरखाव करें। कई बार ऐसा होता है कि हमने इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड एप्लीकेशन के बाद मशीन को इसे छोड़ दिया, तो ज़रूरी है कि जहाँ पर आप जिन नोजल का यूज कर करके आप छिड़काव किए हैं उनको बाद में पानी से धुल करके और साफ करके और फिर सूखा करके और फिर उनको सही तरह से रखें, ताकि अगली क्रॉप में जब फिर से आपको ऑपरेशन करना हो अपनी मशीन का तो ऐसा ना हो कि उसके नोजल आपको चोक्ड मिलें और मशीन के ऑपरेशन में परेशानी आए। तो इस तरीके से आप कीटनाशक और इनका उपयोग कर सकते हैं। फिर हमारी बात आती है कि फल के हार्वेस्टिंग की बात आती है। हम लोगों ने फ्रूट हार्वेस्टर्स बनाए हैं अलग अलग, उसके लिए मैनुअल फ्रूट हार्वेस्टर हैं, अलग अलग तरीके के पेड़ों में उनको यूज किया जा सकता है, और इनका जो कमर्शियली ये फ्रूट हार्वेस्टर अवेलेबल हैं। सावधानी यही देख रखनी है, सावधानी इसी तरह से रखनी है कि जो जिनको आप जब आप प्रयोग करें तो इनका किसी तरीके से नुकसान हो, और पौधों का नुकसान तो उसकी जैसे फल है उसकी कैपेसिटी और उसके हिसाब से ध्यान दे करके इनका उपयोग करना है। फिर हमने जैसे ऐसे प्लेटफार्म भी तैयार किए हैं जिन पे चढ़ करके आप जो हाई ज़्यादा हाइट के जो पेड़ हैं उनसे आप प्लेटफार्म बेस्ड इक्विपमेंट भी हैं जहाँ से आप इनकी क्या कहते हैं फ्रूट की हार्वेस्टिंग सावधानी पूर्वक कर सकते हैं, और जैसे फ्रूट का नुकसान ना हो। मुझे आशा है कि अगर आप इन मशीनों का उपयोग करते हैं तो आप अपनी बागवानी को अच्छी तरीके से कर सकते हैं और बिना किसी लॉस के
जो है अपना आप फ्रूट की और बागवानी की खेती कर सकते हैं और फ़ायदा कमा सकते हैं।